हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैले। तो फ्रेंड्स, जो हमारा जो आज का टॉपिक है, जो वीडियो आज मैं बनाने वाला हूं, वो है भूली बिटियारी महल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये किला है जो भूली बिटियारी के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत सारी इसके ऊपर अफवाहें हैं, बहुत सारे इसके बारे में बातें बनाई गई हैं, तो उन्हीं के ऊपर आज ये वीडियो होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अंदर आ गए हैं, अब इस किले के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसको बनवाया किसने। तो फ्रेंड्स, इसे बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में। किस लिए बनवाया था? उसने इसको एक शिकारगाह के रूप में बनवाया था ताकि जो भी राजा महाराजा थे या उनके मंत्री थे, जब शिकार के लिए निकलते थे तो जंगल के अंदर बैठने के लिए उनको एक जगह चाहिए, तो उसी के हिसाब से इसको बनवाया गया था ताकि जब वो शिकार करने आए तो थोड़ा बहुत ही हो, यहाँ पर आराम कर सके। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके नाम की। तो इसका नाम भूली बिटियारी का महल ही क्यों पड़ा? तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर दो कहानियां हैं। पहली कहानी, लोगों का मानना है कि जब एक भूली बिटियारी नाम की महिला थी जो इस जगह की देखभाल करती थी, तो उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और दूसरी जो कहानी है, एक बिटियारा परिवार की एक महिला थी जो इन जंगलों के अंदर आई और यहाँ पर गुम हो गई, तो उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, दो तरह की कहानियाँ हैं जिसके जो बोलते हैं कि उस हिसाब से इसका नाम रखा गया और उस हिसाब से इसका नाम रखा गया। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ है यहाँ पर, जो ये किला है इसके पीछे की जो जगह है वो बिल्कुल खाली है, वहाँ पर बिल्कुल पेड़ ही पेड़ हैं, जंगल ही जंगल हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये डरावना है फ्रेंड्स। और यहाँ पर सब लोग आते जाते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर सब लोग आते हैं जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जो बहुत सी बातें फैली हुई हैं, बहुत सी जो अफवाहें हैं कि यहाँ पर ये देखा गया, वो देखा गया, यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर जाना खतरनाक है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं किसी एक यहीं पर जो रहते हैं उन्हीं से पूछता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये लड़के घूम रहे हैं, तो मैं इनमें से एक को पूछता हूँ। एक सेकेंड, क्या नाम है भैया अपना? इब्राहिम अहमद। तो इस भाई का नाम है इब्राहिम अहमद। तो एक छोटी सी बात पूछता हूँ मैं, आप यहाँ कितने टाइम से रह रहे हो? मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ। 2 साल से यहीं पे रहते हो? तो 2 साल के दौरान तुम यहाँ पे खेलने हर रोज आते हो? कैसे हर रोज यहाँ पे आते हो? सुबह से हम आते हो क्या? खेलने ही आते हैं। अच्छा, खेलते यहीं पे हो? तो फिर यहाँ पे कितने बजे तक, मतलब लास्ट से लास्ट रात के कितने बजे तक यहाँ पे आए हो? लास्ट 8-9-10 बजे तक रहते हैं यहाँ पर। अच्छा, 9-10 बजे तक आते रहते हो। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा दिखा है कि यहाँ पर ये चीज डरावनी है, या कोई ऐसी चीज दिखी तुम्हें, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं और बाकी चीज खेलते रहते हैं, कुछ चीज दिखी नहीं है अभी तक डराने वाली। मैं पहले था ऐसी, जैसे पहले के जंगल था, थोड़ा साफ सफाई नहीं थी, अब तो सबको सरकार ने कर दिया है, पार्क भी बन गया बढ़िया, और ऐसा खेलने वाला भी है, सब सर्च करने वाला भी है अब तो। अच्छा, तो पहले यहाँ पे इतनी साफ सफाई नहीं थी, मतलब ये टूटा फूटा था सब कुछ? ये पार्क कितने टाइम से बना हुआ? यही कोई 6-7 साल से बना हुआ है। अच्छा, 6-7 साल से। तो फ्रेंड्स, इस भाई की बात से मेरे को एक ही बात समझ में आई। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम है ना अपने घर को 1 साल के लिए बंद छोड़ दें, या उसमें से रहने के हम रहना बंद कर देते हैं, तो वो भी भूतिया लगने लगता है यार। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, ये तो पुरानी इमारत है, बहुत टाइम से है, अगर इसकी देखरेख जो यहाँ पे जो इसकी देखरेख जो अच्छे से नहीं हुई, तो उस हिसाब से फ्रेंड्स ये टूटा फूटा हुआ होगा, तो यहाँ पर लोग आने से डरते होंगे। अब जब यहाँ पे फ्रेंड्स आसपास जंगल ही जंगल है यार, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो लोगों का डरना जायज है, कोई भी यार हम भी नहीं चाहेंगे ऐसी जगह पर जाना। तो बस एक चीज़ है कि अभी फिलहाल की बात करूँ तो फ्रेंड्स,
यहाँ पर ये जो किला है इसको भी अच्छे से मुरम्मत कर दिया गया है और पास में 7 साल से एक पार्क भी है। तो फ्रेंड्स अगर पीछे पार्क बन गया है, लोग आते जाते हैं और जो बच्चे हैं यहाँ पर 10 बजे तक खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो फ्रेंड्स कहाँ का भूत यार। अब एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर किसी जगह पे भूत होता है तो ये तो है नहीं कि भाई अब यहाँ पे पार्क बन गया, अब लोग आने जाने लग गए, अब भूत भाग जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, भूत तो रहेगा ना। तो बस कहने का मतलब है बस यही है कि पहले जो माहौल था यहाँ पर, पहले इस तरह का माहौल था कि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, जब जगह ही टूटी फूटी है, कोई पार्क नहीं है तो कौन आ जाएगा, लेकिन अब पार्क बन गया है तो लोग आते भी हैं और जाते भी हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरे हिसाब से जो यहाँ पर इसके बारे में अफवाहें हैं, ये हॉन्टेड है, यहाँ पर ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। मैं तो एक बात बोलूँगा फ्रेंड्स, ये करोल बाग के पास एक जो बड़ा सा हनुमान दिखाया जाता है यार, हर मूवी के अंदर दिखाया जाता है उसको, उसके बिल्कुल पीछे पड़ता है ये भूली बिटियारी का महल, और इसके पास में ही पार्क है भूली बिटियारी का पार्क, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यार कितना सुंदर है। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स मैं तो ये बोलूँगा कि नेचर मतलब इतने भीड़ भड़ाके के बावजूद यहाँ पर साइड में एक अच्छा सा नेचर के बीच में 5-10 मिनट बिताने का एक बढ़िया मौका मिल रहा है यार, तो मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो इन चीज़ों को साइड में रख के ये डरावने माहौल को यहाँ पर आए और प्रकृति के बीच में 10-15 मिनट जो भी अपने बिताएं यार, बहुत अच्छा माहौल है। तो ऐसा कुछ नहीं इसके बारे में। तो इब्राहिम धन्यवाद ये चीज़ें बताने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में कुछ और। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसकी बनावट की। तो फ्रेंड्स अगर जब बनावट की बात करें तो इसके अंदर भी सेम वही स्ट्रक्चर रखा गया है जो फिरोज शाह तुगलक सभी इमारतों के अंदर रखता था। तो इसके अंदर भी वही है, कुछ गड़े हुए पत्थर हैं, कुछ अनगढ़ पत्थर हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हिस्सा है ये तो पुराना नहीं है, ये बाद में बनवाया गया है इसके मुरम्मत के दौरान। तो लेकिन फ्रेंड्स जो सामने देख पा रहे हैं उसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, जो सफ़ेद चूना जो पहले की इमारतें थी उसके अंदर सफ़ेद चूना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, तो वो देख पा रहे हैं सफ़ेद चूना वहाँ पर लगाया गया है इसको बाहर से इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, और अंदर जो है वही अनगढ़ पत्थर और कुछ गड़े हुए पत्थर, और जो आप बीच में देख पा रहे हैं जो कुछ तरासे हुए पत्थर हैं फ्रेंड्स, पहले कोई लेंटर वेंटर सरिया वरिया नहीं डालते थे तो सिंपल यही जो स्ट्रक्चर चलता था। तो यहाँ पर जो पत्थर है उन्हीं को तराश कर एक सेफ दी गई है, और जैसा कि हर पुरानी इमारत के अंदर एक वो होता था ऊपर एक फूल बनाए जाते थे, तो वो देखिए फ्रेंड्स वहाँ पर फूल बनाए गए हैं और एक धनुषानुमा आकार का एक वहाँ पर एक आकृति बनाई गई है ऊपर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स वही जो सभी पुरानी इमारतों में होता है सेम वैसा ही स्ट्रक्चर इसके अंदर देखने को मिला है। तो ये था फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी इस महल के बारे में या फिर इस किले के बारे में जो कि बिल्कुल वीराना और सुनसान पड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं भूली बिटियारी जो उसका एक पार्क है उसकी तरफ, उसकी खूबसूरती मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे ये है वो है, आप देखना फ्रेंड्स कितना खूबसूरत पार्क है, अभी मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही एंट्री करते हैं तो यहाँ से सबसे पहले दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। फ्रेंड्स किसी भी रास्ते से चले जाइए, दोनों रास्ते घूमकर यहीं पर आ जाते हैं। तो इस रास्ते से शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, चलिए इसकी तरफ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्या है, चलो देखते हैं, कुछ बना हुआ है शायद। ओ यार ये तो काफी अच्छा है यार देखने में। दोस्तों मैंने एक चीज देखी है कि आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में चले जाओ छोटी मोटी चट्टाने आपको देखने को मिली जाएंगी, लेकिन अगर वही चट्टान पार्क के अंदर मिल जाए तो और भी देखने में अच्छी लगती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा रास्ता है, ये छोटा रास्ता ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो चलिए इसी की तरफ चलते हैं। ओए होए यार मोर, यार कितने सालों के बाद मैंने मोर देखा यार, वो भी ऐसे खुले में घूमते हुए। यार सच में यार एक बात है यार, जैसे अगर कहीं पर किसी पार्क के अंदर मोर दिख जाए ना तो उसकी शोभा तो अपने आप ही बढ़ जाती है, वो अपने आप ही अट्रैक्टिव लगने लगता है।
यार मजा आ गया यार, तो चलो आगे बढ़ते हैं यार। कैक्टस ज्यादातर है ना, ये जो कैक्टस है ना, ये जहां पर पानी कम होता है ना और जो चट्टानी एरिया होता है उसी के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये भी यहाँ पर देखने को मिला। दोस्तों एक बात है जो काफी देर से मेरे मन में घूम रही है, चलो मैं पूछ ही लेता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मैं इतनी देर से आपको इस पार्क के अंदर घुमा रहा हूँ, उस किले के अंदर भी घुमा के लेके आया हूँ, तो आपको इतनी देर में आपको डर लगा या फिर यहाँ पर घूमने का मन कर रहा है? दोस्तों मुझे पता है आपका जवाब आएगा घूमने का मन कर रहा है। तो फ्रेंड्स यही बात मैं बोलना चाहता हूँ, लोग पता नहीं इसको क्यों हॉन्टेड प्लेस बोलते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं, इसके ऊपर जितनी वीडियो बनती है हॉन्टेड के नाम से ही बनती है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा माहौल है यार, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। दोस्तों आपको पता है मैं बिल्कुल ये मान के चलिए आधे घंटे पहले मैं मार्केट में था और वहां पे इतना भीड़ भड़ाका मतलब हालत खराब हो जाए यार। और जैसे ही मेरे को पता चला इस साइड में ये इस तरह का कोई प्लेस है, तो मैं मैक्सिमम कितने 300 कदम चल के आया हूँ फ्रेंड्स में, और 300 कदम चलते ही माहौल ही बदल गया यार, काफी अच्छा माहौल लग रहा है यार और बिल्कुल मजा आ रहा है यहाँ पे, सच में अच्छा फील हो रहा है यार। एकदम से भीड़ भड़ाके से निकल कर आप जब एकदम से नेचर की गोद में आते हो यार, अच्छा तो लगता है, काफी अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी जानकारी, छोटा सा वीडियो इस भूली बिटियारी महल के ऊपर पर और इस पार्क के ऊपर। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन, तो देखते रहिए फ्रेंड्स पीएस वैले।